हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी ऑल्ट कॉइन स्ट्रैटेजीज़ को शेयर करूंगा जो पिछले 8 to 10 मंथ्स में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, एक्सिक्यूट किया है, और आने वाले टाइम में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, यू कैन लूज़ ऑल ऑफ योर मनी, आपका पूरा का पूरा पैसा ज़ीरो हो सकता है। यहां पे बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, चीटर्स हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो पिछले कुछ टाइम से जो मेरा पोर्टफोलियो है स्पेशली ऑल्ट कॉइन का, वो 3 कॉइन के आसपास घूम रहा है, फैंटम, नेक्स्ट, टेजोस। और इन कॉइन्स को मैं बैलेंस करता हूँ, चर्न करता हूँ, री इन्वेस्ट करता हूँ, इस तरीके से मैं अपना जो है वो एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेके चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताता हूँ, कई बार मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि अगर आप किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हो, ऑल्ट कॉइन बहुत रिस्की है, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है आज के डेट में, सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और ऑल्ट कॉइन को कोई हाथ नहीं लगाता, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ, क्योंकि 95% जो कॉइन्स हैं वो बिल्कुल क्रैप हैं, किसी तरह का मुझे नहीं लग रहा वो सस्टेन कर पाएंगे नेक्स्ट टू ईयर्स, 5 ईयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो इवन टॉप 20, टॉप 50 में भी ऐसे कई कॉइन्स हैं जो कि मैनिपुलेशन करते हैं, अपना ही प्राइस खरीदते बेचते हैं, पंप एंड डंप करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लग रहा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर्स जो है वो कहीं ना कहीं इनके पीछे आएंगे, क्योंकि बहुत पैसा है इस स्पेस के अंदर, और जहाँ पैसा होता है वहाँ गवर्नमेंट, वहाँ पे रेगुलेटर्स, टैक्स अथॉरिटी, इस तरह के जो एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आती हैं, और जो ग्रिप है अपना वो टाइट करती है। तो आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे दो मौके आए पिछले आई थिंक 6 मंथ्स में, जब मेरा पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन था वो किसी एक सिंगल कॉइन में 50% का था, उसमें नेक्स्ट था। नेक्स्ट के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, 55% का एलोकेशन मैंने डाला था नेक्स्ट में, $1 के आसपास। उसके बाद जब मैंने 50, यहाँ पे आप देखोगे 6 मंथ्स अगो आई वेंट ऑल इन नेक्स्ट 55% माई पोर्टफोलियो एंड लोडेड अराउंड 1, और यहाँ पे सीड मनी 3.3 सेंट के आसपास मैंने निकाला था। तो इनफैक्ट मैंने $2.5, $2.7, $2.8 से ही थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू कर दिया। $3.30 पे मेरा लास्ट सेल था, मेरा एवरेज वही $2.90, रफली $3 लगा लो, वहाँ पे आया। मैंने 50% कॉइन जो है था उसको सेल कर दिया नेक्स्ट का, और वो सारा पैसा कुछ मैंने कैश आउट किया, और मेजॉरिटी ऑफ द मनी मैंने टेजोस में लगाया, क्योंकि मेरे को अगेन टेजोस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है। जो सबसे जो पॉजिटिव एलिमेंट है टेजोस के अंदर वो ये है कि अगर मैं इवन 50% भी पोर्टफोलियो का चंक लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ दिखती है, क्योंकि एक लार्ज ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, लार्ज पूल ऑफ डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, और जो फंडिंग है, मतलब वेल फंडेड ये प्रोजेक्ट है, अगले 5 साल 10 साल सर्वाइव करने का दमखम रखता है। इसलिए मैं 50% इस प्रोजेक्ट में डाल के भी आराम से पीसफुली सो सकता हूँ। मेरे को पीसफुली सोना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि मैं किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में अपने पोर्टफोलियो का आधा पैसा लगा दूँ और एक दिन में 40% वो उठ जाए और अगले दिन में 80% डाउन हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रिस्की बेट है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, CHX मैंने लास्ट ईयर आई थिंक नवंबर में इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा चंक नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी 3x पे मैंने उसको आउट किया, और 3x पे मैंने सीड मनी निकाला, फिर 5x पे गया था, और धीरे 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 करके मैंने अपना पूरा पैसा जो है वो निकाल लिया CHX में और फैंटम में डाल दिया था। फैंटम में जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 3 से 4 महीने के अंदर 4x का रिटर्न जो था उस फैंटम ने डिलीवर किया डॉलर टर्म में, आई थिंक BTC टर्म में भी 2x के आसपास हुआ था। वहाँ पे मैंने सबको सजेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपना सीड मनी कम से कम आप आउट करें, और मैंने भी किया, सीड मनी के साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाला, यहाँ पे देख सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु बॉट एंड होल्ड फैंटम, इट डिड मोर देन 4x इन लेस देन 3 मंथ्स सिंस आई फर्स्ट कवर्ड ऑन माई चैनल। हियर यू कैन टेक योर इनिशियल आउट और सम पार्ट ऑफ योर, यहाँ सीड की जगह पे सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट मेरा मतलब मुझे लिखना था, बट anyway, तो यहाँ पे आपने अगर सीड मनी निकाला तो
आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते हैं, जब मैं किसी प्रोजेक्ट को रिसर्च करता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी चीज़ों को जब निकालता हूँ, आई गेट एक्साइटेड, और जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो आई गो लाउड, मैं बहुत ज़्यादा ट्वीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा पोस्ट डालता हूँ, पीपल गेट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दे स्टार्ट थ्रोइंग मनी लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जब क्या होता है, वो प्राइस से 2x हो जाता है, जो कि देखो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन बहुत रिस्की है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो यू विल बी रेक्ट। होता क्या है, जब आपके प्राइस से 2x या 3x होता है, देन यू डोंट सेल, आप लोग सेल नहीं करते, 100x के सपने देखते हो, देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और ये जो कॉइन्स हैं डेफिनेटली डेफिनेटली मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है दे कैन डिलीवर 100x। लेकिन अगर आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउट कर लेते हो और उस पैसे को आप BTC में रखते हो या स्टेबल कॉइन लाइक डाई में अगर आप रखते हो, डाई को आप लेंड भी कर सकते हो, आपको 12% का रिटर्न भी मिलता है, और अगर 5%, 10% या 20% लेट से एट द मैक्स अगर आप उस कॉइन में अपना एलोकेशन जो है होल्ड करते हो और वो 100x होता है, तो स्टिल यू विल मेक ह्यूज मनी, यू विल मेक ह्यूज मनी। अगर आपने 1 लाख रुपए का भी, जो लेट से आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का वो 10 लाख हो गया, आपने जो है 90% सेल कर दिया, 1 लाख वैल्यू का आपने कॉइन जो है होल्ड कर लिया, अगर वो 50x भी होता है, 100x होता है, आई मीन अगर होता है 100x, तो अगेन इट विल बी ह्यूज मनी, और उस पैसे को आप फर्दर किसी और कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ऑल्ट कॉइन के अंदर आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था काफ़ी टाइम पहले, इफ़ पीपल फॉलोइंग माई रूल स्ट्रिक्टली टेकिंग आउट सीड और प्रॉफिट आफ्टर 100% गेन, चांसेस ऑफ लॉस इज वेरी वेरी थिन, और ऐसा हुआ भी है अभी तक, मैं बोलूँगा 90% से ज़्यादा केसेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहा है, अगर आपने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया है। यहाँ पे आप देखोगे मैटिक 9x, CHX 6x, लिटियन 2x, FTM 3x, नेक्स्ट 2x, XTZ 3x, मैंने नहीं लिया था तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, बट मैंने 45 सेंट के आसपास रेकमेंड किया था। अगर आप इन कॉइन्स को अपने सीड मनी को, कम से कम, मैं ये नहीं करूँ आपने प्रॉफिट लिया, हो सकता है आपने नहीं भी लिया हो, अगर सीड मनी को भी अगर आपने बाहर किया होता और आज ये कॉइन वहां से 90% डाउन है, यू विल नॉट पैनिक, आपका कुछ भी नहीं लगा। नेक्स्ट मेरा 50% मैंने निकाल लिया है $3 पे, 50% क्वांटिटी में होल्ड कर रहा हूँ, कल को वो जीरो हो जाए आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा जेब का पैसा नहीं लगा है। तो फैंटम के अंदर बहुत सारा जो लोग हैं, कहीं ना कहीं 50% या 60% का एलोकेशन है, विच इज़ बिट रिस्की मैं बोलूँगा, क्योंकि फैंटम अगेन स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा रखना, होल्ड करना, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाता है। मैंने भी एक टाइम था जब 50% जो एलोकेशन था वो फैंटम में था, लेकिन बाद में जब ये ऊपर आया तो मैंने रीबैलेंस किया। तो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब 4x में मैंने अपना फैंटम का हाफ क्वांटिटी सेल कर दिया था, एंड आफ्टर दैट आई गॉट कैरिड अवे, मुझे भी लगा कि नहीं अब तो ये लिस्टिंग हो रही है और नाउ इट विल नॉट स्टॉप, तो मैंने 400 सतोशी पे लिया, अगेन 300 पे लिया, लेकिन मेरे पास इनफ रूम था क्योंकि मैंने पहले ही बुकिंग ले लिया था। तो उसके बाद मेरा 200 सैट्स के आसपास का एवरेज आया था सतोशी में, हालांकि डॉलर टर्म में मैं अभी भी आई थिंक 20-30%, 40% अप हूं। तो अभी क्या है, 18% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, विच इज अगेन बिग, लेकिन लुकिंग एट द फैंटम पोटेंशियल, मैं आई कैन अफोर्ड टू होल्ड दैट 18%। लेकिन अगर आप 50% आपका एलोकेशन है और आपने जब ये पंप हुआ तो आपने बैलेंस नहीं किया, तो यू आर एट फॉल्ट, डेफिनेटली ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लोगों से गलतियां होती हैं, आई गॉट कैरिड अवे, मैं भी लॉस करता हूँ, मैं भी बैड डिसीजन लेता हूँ, लेकिन वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो फैंटम पे आई एम नॉट नेगेटिव एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है मैं बेयरिश हूँ या नेगेटिव हूँ, क्योंकि 18% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाओ और स्टॉक मार्केट में जो एस इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं,
वो भी 15% 18% एक स्टॉक में नहीं डालते, उनका एलोकेशन 2% 5% 10% तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो फैंटम में मैं डेफिनेटली 18% है तो मैं बिल्कुल बेरिश नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे देखो, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो, अगर आप जब ऑल्ट कॉइन का प्राइस ड्रॉप होता है तो यू स्टार्ट पैनिकिंग, उस केस में आपको कम से कम 50% बिटकॉइन में आपको रहना चाहिए। और मैंने कई बार बोला है, हालांकि मैं फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं फॉलो नहीं करता तो आप ना करो, क्योंकि अगर आप सेफ्टी और कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपका रिस्क एपेटाइट पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, फैंटम को आप होल्ड करो, 150 सेट्स के आसपास है और इसका मेन नेट आने वाला है, और अगर ये अच्छा पंप देता है, बिल्कुल देगा, और लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी बुलिश हूँ, बस एक बार मेन नेट आए, प्रोडक्ट रिलीज होए, तो मुझे लग रहा है ये इसका रियल जो ग्रोथ है वो चालू होगा। और इसका जो टेक है वो बहुत शानदार है, कई लोगों ने प्रेज़ किया है टेक को। पहला डैग है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो POS कंसेंसस एल्गोरिदम यूज़ करता है, और बड़े बड़े जो स्टेकिंग पार्टनर्स हैं जो कॉस्मोस में या टेजोज में स्टेक करते हैं, उन्होंने फैंटम को सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला कि हम इसमें स्टेक करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक, तो डेफिनेटली दैट इज़ बिग। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोग एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट करो, मैं नहीं कर रहा आप 20 कॉइन ले लो, 10 कॉइन ले लो, 4-5, देखो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो 3-4 कॉइन्स के आसपास घूम रहा है, फैंटम, नेक्स्ट, टेजोज, इथेरियम, मेरे पास बस यही 4 कॉइन्स हैं, और इनके अंदर मेरा जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो है टेजोज में 34%, नेक्स्ट में 28%, ईथर में 22% और फैंटम में 16%। तो ये मेरा एलोकेशन है, और फैंटम जब पंप होगा मैं 400 सैट्स के आसपास 40% क्वांटिटी जो मेरा भी बचा हुआ है उसमें से मैं सेल करूंगा, और टेजोज अगर $1 के आसपास होता है, $1.25 के आसपास, तो मैं और थोड़ा इन्फ्यूज़ करूंगा। एक बार मैं 50% तक लेके जा सकता हूं टेजोज में, जैसा नेक्स्ट में मैंने प्ले किया था वैसा ही मेरे को लग रहा है टेजोज में प्ले आउट हो सकता है। फैंटम एक अलग स्टोरी है, ये एकदम से 10x भी जा सकता है, 20x भी जा सकता है, बहुत तेज़ ये ग्रोथ दिखा सकता है, या एक बार हो सकता है एकदम से 50% नीचे चला जाए और फिर वहाँ पर टाइम स्पेंड करे। तो ये सारे जो रिस्क हैं आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सीड मनी को अगर आप आउट कर लेते हो तो फिर आप इतना पैनिक नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।